बहुत सारे लोगों को पसंद है पढ़ाई करना। इंडिया में हर साल लगभग 8-10 लाख बच्चे बीटेक करके निकलते हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन जाते हैं, फिर उनको टाइम मिल नहीं पाता है रेगुलर कुछ डिग्रीज करने का। इसके जो कई रीज़न हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन है बट पैसे भी चाहिए होता है, अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल गया अर्ली स्टेज में तो गैप ईयर्स आ जाता है, तो उस केस में हम क्या ढूंढते हैं? पार्ट टाइम कुछ हायर एजुकेशन करना। तो आज के वीडियो का मेरा मकसद है पूरा डिटेल गाइड आपको दूं पार्ट टाइम एमटेक के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, सर क्या ये पार्ट टाइम एमटेक AICTE अप्रूव्ड है या फिर EVC अप्रूव्ड है या फिर कुछ और है? देखो, इंडिया में तीन रिकॉग्निशन है, दो सबको पता है, एक AICTE आता है, जो AICTE अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, लाइक किसी स्टेट गवर्नमेंट में कॉलेजेस हैं। UGC क्या होता है? जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं सारे UGC अप्रूव्ड हैं, बट एक्सेप्ट जो आपको पता नहीं होगा, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेजेस हैं वो किसी भी रिकॉग्निशन बॉडी से अप्रूव्ड नहीं है, वो सेल्फ हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे IITs, NITs, ये भाई साहब ना UGC अप्रूव्ड है ना AICTE है, ये सेल्फ हैं, कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, इनके पास पावर है, ऑटोनॉमी है, समझ पा रहे हो? तो कुछ लोग बोलते हैं इसलिए कि सर ये अप्रूव नहीं हो क्या, ऐसा नहीं है। सो AICTE UGC समझ में आ गया आप कहानी आपको क्या है। अब बात करते हैं पार्ट टाइम एमटेक बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं। सो इस बारे में एक और वीडियो लाऊंगा मैं AICTE पर, AICTE के एमटेक पर एक वीडियो लाऊंगा कि भाई उनका क्या कहना है, क्या अप्रूवल प्रोसेस है, हालांकि उसके जरिए आप डायरेक्ट एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। यस, कोई एंट्रेंस का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और मज़े की बात क्या है, जो एमटेक होगा AICTE अप्रूव कॉलेज में वो 2 साल का होगा, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है UGC वालों ने, वो एक डिटेल सा इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कॉलेज में, 2 साल का एमटेक रेगुलर डिग्री मिलेगा, पार्ट टाइम नहीं, तो भाई आप क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं अपने कॉलेज, मतलब कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, कौन सा कॉलेज आपको पसंद है आप देख सकते हैं। चलिए उसके पहले जानते हैं, फिर आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ इस इनके कोलाब्रेशन से। तो लिंक पर क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरिए, तो इनका जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देता है, उसमें बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो, उसमें बहुत सारे फीचर्स का यूज़ करते हैं वो, मतलब पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं कंपेरिजन करने के लिए, जैसे आपका अप्रूवल हो गया, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ें। एज वेल एज इस प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से बच जाते हो। दैट्स नॉट ऑल, आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर से चाहे तो आप फ्री में बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉलेज वालों से भी बात कर सकते हो, और जो काउंसलर हैं वो आपसे बात करेंगे ऑडियो या फिर वीडियो काउंसलिंग के जरिए, वो बिल्कुल फ्री है, समझ रहे हो? नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है आपका, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है फाइनेंस का, तो आप EMI फैसिलिटीज़ भी क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं, कॉलेज वाला बंदा दे या ना दे बट ये कॉलेज विद्या वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर एडमिशन लेते हैं आप, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू से, तो आपको अप टू 10,000 रुपीज़ का क्या मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकता है। दैट्स नॉट ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है पढ़ाई के बाद क्या चाहिए भाई, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस एंड पढ़ाई पढ़ते करते आपको क्या चाहिए होगा, ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, ताकि आप घर बैठे हॉस्टल में बैठे PG में बैठ के सीख पाओ। वैसे इसका प्राइस तो है 6,999 रुपीज़, पर आपके लिए फ्री हो सकता है अगर आप एडमिशन लेंगे, जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए चलते हैं अपने हम टॉपिक में। सो गाइस वेलकम बैक, तो हम बात कर रहे थे, ये समझ में आपको आ गया, अब आते हैं पार्ट टाइम एमटेक का कुछ चीज़ें।
एडमिशन प्रोसेस की पहले बात करते हैं। वेल देखिए, पार्ट टाइम एमटेक करना है तो ये हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली एमटेक कितने साल का होता है? 2 साल का। ये हो जाएगा 3 ईयर्स का। तो इस केस में हम क्या रिकमेंड करते हैं आपको, आप एक टैग के तरफ भागो। टैग मतलब क्या है, जैसे पार्ट टाइम आजकल एमटेक आईआईटी वाले भी देते हैं, एनआईटी वाले भी देते हैं। आईआईटी मद्रास ऑनलाइन एमटेक देती है प्रोग्राम उसका, लेकिन क्या है, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है आपका उसमें एडमिशन के लिए। इस केस में एनआईटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे एनआईटीज पार्ट टाइम एमटेक ऑफर करते हैं और सस्ते भी होता है कंपेरेटिवली, 3 साल का होता है लेकिन, और ये डिग्री वैलिड भी है काफ़ी जगह पर। आप पार्ट टाइम एमटेक एनआईटी से करके, मैं जानता हूँ जो एनआईटी से पीएचडी कर रहे हैं या कम्पीट कर चुके हैं अब तक, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ तो, पार्ट टाइम एमटेक करें उन्होंने एनआईटी जालंधर, उधर पार्ट टाइम एमटेक होता है। आईआईटी दिल्ली, उधर पार्ट टाइम एमटेक होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं एनआईटीज और आईआईटीज जा करते हैं, क्या करते हैं, पार्ट टाइम एमटेक का ऑप्शन देते हैं 3 साल का। तो एडमिशन प्रोसेस आपको पता लग गया, ईयर्स कितना होता है पता लग गया, तो आपको जो डिग्री मिलेगा ओबियसली पार्ट टाइम मिलेगा, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट्स बस क्या डिफरेंस आपको पता, सेम चीज़ें होता है करिकुलम ऑलमोस्ट, सब्जेक्ट्स आपके पर सेमेस्टर कम हो जाते हैं। रेगुलर कोई बीटेक एमटेक करने जाता है तो फर्स्ट ईयर में उसको लगभग 10-11 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, पार्ट टाइम में वो लगभग हाफ हो जाते हैं। टोटल एमटेक में सब्जेक्ट्स होते हैं 13 के आसपास, पार्ट टाइम में उसका कम कर लो, 5 सेमेस्टर में आप 13 पढ़ेंगे और लास्ट सेमेस्टर डिसर्टेशन होता है, मतलब थीसिस होता है, रिसर्च पेपर होता है, वो दोनों जगह होगा मोस्ट प्रोबेबली वही होता है। ठीक है, सो ये कहानी आपको समझ में आ गया। सो अब बोलोगे सर ठीक है, बात समझ में आया, अब हमें बताइए कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखो कॉन्स, पढ़ाई लिखे या कॉन्स कुछ होता नहीं है अगर ऐसे एवरेज में देखेंगे तो, बट डेफिनेटली कुछ करने जा रहे हैं पार्ट टाइम तो कॉन्स तो है। वेल एडमिशन में कभी कभी दिक्कत आ सकता है पीएचडी में, बट कभी कभी समटाइम्स आता है, समटाइम्स नहीं भी आता है, वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप गाइड कैसे चूज कर रहे हो, पीएचडी गाइड के बेस पर है। गाइड अगर अच्छा मिल गया आपको तो भैया पीएचडी बढ़िया से हो जाएगा, गाइड अगर बेकार मिल गया पीएचडी हो सकता है आपको, आपको सुन के खराब लगेगा बट ये सच है, आधे रास्ते में छोड़ के भागना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे पीएचडी छोड़ते हैं बिकॉज गाइड से अच्छे से हेल्प नहीं मिलता है, ये मैंने काफ़ी स्टोरीज सुने हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, ये होता है जो मैंने अब तक सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कई लोग 4 साल दे के भी छोड़ते हैं पीएचडी। सो अगर प्रोज की बात करोगे, एक डिग्री आ जाएगा, अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा अपने रिज्यूम में ऐड करने की, मैंने यहाँ से एमटेक किया हुआ है, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, रिसर्च पेपर आप खुद बनाएंगे तो बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस आएगा, और एज वेल एज थोड़ा सा प्रमोशन का भी आपको मिल सकता है, मैनेजरियल पोस्ट मिल सकता है, रिसर्च में जा सकते हो थोड़ा सा बिकॉज ऑलरेडी इसमें काम करेंगे, ये प्रोज कुछ हो सकता है। पैसे वैसे इतना खर्चा नहीं होता है, ये भी प्रोज हो सकता है, इतना मगजमारी नहीं है एंट्रेंस एग्जाम का, ये भी प्रोज हो सकता है, इतना क्लासेस का प्रॉब्लम नहीं होता, ये भी प्रोज हो सकता है, ये सारे प्रोज हैं। कॉन्स क्या होता है, ये पार्ट टाइम है, बस एक ही कॉन है, पार्ट टाइम डिग्री होगा, फुल टाइम नहीं होगा, रेगुलर डिग्री नहीं होगा, बस एक ही कॉन मेरे को दिखता है ये पूरा कंप्लीट डिग्री में। ठीक है, कहानी आपको समझ में आया। तो इसमें अप्रूवल तो है, जैसे मैंने बताया अप्रूवल प्रोसेस का क्या फंडा है, तो उसका टेंशन मत लेना आप। ठीक है, तो आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, इस पर मैं एक लाऊंगा वीडियो एसीटी वालों का, फुल टाइम होता है पार्ट टाइम ही पढ़ाई करेंगे, फुल टाइम डिग्री मिलेगा, तो इस पर एक वीडियो लाऊंगा एमटेक का, ताकि आप, और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का लिस्ट पूरा लाऊंगा जो एआईसीटी वालों ने अप्रूवल दिया है, वो पूरा लिस्ट मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा आपको उसके बारे में। सो इतना ही था इस वीडियो में, हालांकि मेरे को लगता है आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है, कुछ अगर और जानकारी चाहिए किसी भी जिसके बारे में, एमटेक के बारे में, मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको सम अप करके अच्छी तरीके से आपको बताऊं। और कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके लिए आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।